असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। दरभंगा की बात आपको बता देते हैं, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, जब एम्स बना श्रद्धेय अटल जी के टाइम में तय हुआ और पटना में एम्स बना। और दूसरा, जब ये लोग कर रहे थे 15 में, तो हमने कहा कि एक एम्स तो बना ही हुआ है, तो आप जो कह रहे थे उनको समझ में नहीं था कि एक एम्स बना हुआ है, तब कह दिया हमने। और उसके बाद कहा कि देखिए, सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में बना और दूसरा डीएमसीएच वही दरभंगा, तो हमने कह दिया था उन लोगों को कि भाई पटना में तो बन गया है और पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का हम विस्तार करने वाले हैं। इस देश में उतनी बड़ी संख्या में कोई हॉस्पिटल नहीं है, 5000 से भी ज्यादा संख्या में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा आग्रह होगा कि अगर करना चाहते हैं तो ये दरभंगा का जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसी में कर दीजिए। तो पहले एक्सेप्ट किया, फिर कहा कि नहीं, वहां नहीं करेंगे, अलग करेंगे। तो हमने कहा जो करिए। तो बगल में हुआ, ये बात हुआ, लेकिन वहां पर जरा दिक्कत है। हमने ये भी तय कर लिया है कि जो हम लोगों का दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, अब आप जानते हैं, आप कहीं जाइए देश में, कहीं जाइए देश के बाहर, कहीं जाइए, जो यहाँ के लोग बाहर नौकरी में हैं, सबसे ज्यादा आपको मिलेगा पटना का और दरभंगा का। इतना बढ़िया सब कुछ है, तो हम उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं और 2500 की संख्या का करेंगे वहां। तो इसी बार हम जो गए थे समाधान यात्रा में, तो वहां के डीएम ने, हम पहले जाकर के देख रहे थे कि भाई इसको कर दो, किसी कुछ हो रहा था, लेकिन जब हमको डीएम ने कहा कि सर चल के देख लीजिए, हम जगह चुन लिए हैं और बहुत अच्छा है, चलो। जब हम गए, बताइए, हम तो रोड बनवाए हैं ना जी, आने का 2 लेन, उसको 4 लेन करने जा रहे हैं। और जो बताया बगल में, उसको नीचे से और ऊंचाई करके बनाएगा और दोनों तरफ और सड़क बनेगा। आप जानते हैं दरभंगा का कितना विस्तार होगा, और लोग अभी जहां बनने वाला था वहां पर जाने में दिक्कत है, और यहां पर होगा तो किसी को जाने में दिक्कत है। हम तो बहुत अच्छा था, लोगों को भी अच्छा लगा, पता नहीं उन लोगों को क्या मन में बात आ गई, अभी कहने लगा कि वहां नहीं करेंगे, क्या नहीं करोगे, और फिर कहता यहां करोगे वहां करोगे, अरे फालतू बात है। मेरी तो इच्छा ही है, आपको अगर करना है तो वहीं बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आपका जो मन हो करिए, हम लोगों का तो यही है। और हमारे मेडिकल कॉलेज को जो हम चाहते थे, अब उसको नहीं माने तो मेडिकल कॉलेज का हम विस्तार करने वाले हैं, और बाकी जो जहां भी बनाएंगे हम तो दिखा रहे हैं, देख लीजिए। और राज्य सरकार की तरफ से जमीन तो आपको दे ही रहे हैं, उसके अलावा उसका पूरा का पूरा विस्तार और आगे का सब रास्ता राज्य सरकार करके देगी, और इतना बढ़िया वो होगा। लेकिन अब हम लोग जो कह रहे हैं तो उसको उन लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा। सारे जगहों के लोग वहां आने में उनको इतनी सहूलियत होगी वहां पर जहां पर हम करवा रहे हैं, इन लोगों को है कि नीचे है, अरे नीचे ही बनेगा, अरे उसको तो ऊपर करने का तय ही कर चुके हैं, वो कह देता कि हाँ ठीक है, अप्रूव्ड है, तब तक तो बहुत सारा काम हो गया होगा। तो आप सोच लीजिए, और वहां पर जो काम है, वो जगह है, उसका तो हम और ज्यादा विस्तार करने वाले हैं उसके लिए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो वो सब चीज तो है, तो हम कर रहे हैं, तब करो। और कहीं दूसरा जगह की बात है, लोग कहीं कहीं नहीं डिमांड करता था, तो हम तो सब जगह कह रहे, हम सब जगह मेडिकल कॉलेज हम लोग बनवा रहे हैं, ये सब चिंता मत करिए। एम्स के बारे में पटना में हुआ है, और दूसरा एम्स होगा तो होना चाहिए दरभंगा में, क्योंकि पहले पटना और दूसरा दरभंगा में बना, तो वहीं बनना चाहिए, ये हमारी इच्छा, ये किसी और का हम तो बोलते रहे हैं, तो हमारी तो इच्छा ना है जी। अगर कहीं है तो यहाँ नॉर्थ साइड में, आप नॉर्थ साइड में नहीं वो बनेगा, और कहीं कहीं ऐसे ही कोई बोलता रहता, उसका कोई मतलब है? आप देख लीजिए कितना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम लोग बना दिए, 6 था पहले, 11 हो गया, और आप जान रहे हैं कर रहे हैं हम लोग सब जगह और बढ़वा रहे हैं और सब करने में लगे हुए हैं हम लोग,
तो ये सब कोई चिंता करनी है किसी को? किसी को चिंता नहीं करनी है, बहुत अच्छा होगा ये सारी बात। और उनके लिए उस मेडिकल कॉलेज के लिए जो है ना भाई, एम्स के लिए इतना बढ़िया और इतनी जगह है कि अगर आप लोगों की इच्छा हो भाई, तो जितने पत्रकार हैं, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो एक बार मेरे साथ चले चले, ये भी रहेंगे और आपको हम वहाँ दिखा देंगे और सारे अधिकारी बता देंगे कि नीचे से कैसे बनेगा और हमने जो सजेस्ट किया है कि उसके आने का रास्ता कैसे कैसे बनाओगे, तो आप जरा देख लीजिए। उसका रास्ता हम ही न बनाए हैं जी, तो 2 लेन हम 4 लेन का तय कर दिए और उसको आने का इतना अच्छा होगा। और जानते हैं, और उससे आप वो जगह दरभंगा और बढ़ जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने तो दावा कर दिया कि बन गया, आप सोच लीजिए। एयरपोर्ट से कहीं भी उधर जाने में दिक्कत, अब यहाँ इतना नजदीक पड़ेगा, सबको सुविधा होगी, आप अच्छी तरह जान लीजिए। पीएम ने दावा कर दिया कि वो तो बन गया, आप ही लोग जाकर देख लीजिए, बन गया। अरे बन जाता तो हम लोग अभिनंदन नहीं करते, हमारी तो इच्छा ही थी। अब बाकी जो बाकी रहता तो दरभंगा में और भी हम बनवा देते ना गो, क्या कि सब लोग तो अपने साथ शामिल नहीं करते, तो उसके जितने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो जुड़े हुए थे उनका तो हम अलग एक और सुंदर बनवा दिए होते अब तक, अब तो हम उसका विस्तार कर रहे हैं। क्या कि पटना मेडिकल हॉस्पिटल का जैसे विस्तार हुआ है तो सबसे पुराना है, अभी तो SDS में कहीं नहीं है उतना बड़ा हो रहा है। अब बाकी 2500 का उसका भी करें, जिसमें हम लोग तय किए हुए हैं।